बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राम की पैड़ी सरयू तट से ये लगातार बड़ी कवरेज जारी है। मेरे राम आए हैं। जी हां, प्रभु श्री राम 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। एक तरफ भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ अयोध्या का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अयोध्या नगरी भी बदली बदली सी नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि त्रेता युग में जिस तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत अयोध्या नगरी ने किया था, इस बार भी यानी कलयुग में भी अयोध्या नगरी उसी तरीके से सज धज कर तैयार हो रही है जैसा त्रेता युग वाली थी। अब अयोध्या कितनी बदल रही है, अयोध्या पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारी की गई है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अयोध्या से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल तो यही है, बहुत कम वक्त रह गया है, 22 तारीख नजदीक आ रही है, कितनी तैयार हो गई अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए? प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या का बच्चा बच्चा उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और अपने घरों को सजाने का, अपने शिवालय और मंदिरों का सजाने का काम वह कर रहा है। 22 तारीख को आप देखेंगे अयोध्या किस प्रकार से सजा हुआ, अभी उसका वर्णन हम नहीं कर सकते शब्दों में, लेकिन अयोध्या त्रेता युग में तो हम लोगों ने देखा नहीं, जैसा वर्णन है कि वहाँ त्रेता युग में भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। हम लोग भी चाहते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो तो ऐसा स्वागत हो कि पूरी दुनिया उसको देख करके और जो है मंत्रमुग्ध हो जाए, इस प्रकार का स्वागत हम लोग करना चाहते हैं। अब ये विकास कार्य हो चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, एक एक करके मैं आपसे पूछूंगी। विपक्ष आप पर ढेर सारे आरोप लगा रहा है और सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा आरोप जो आप पर लग रहा है वो ये कि 2024 के लिए आपने अयोध्या को प्रयोगशाला बना लिया है। आप अयोध्या के माध्यम से धर्म को बीच में लाकर, सनातन धर्म को बीच में लाकर या प्रभु श्री राम को बीच में लाकर आप वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसा है कि उन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं। 1984 में जब हम सारे लोगों ने पूज्य संतों के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया, तब से लेकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, इसके लिए जो उसमें अवरोध है उसको दूर करने का काम सरकार बनने के बाद हम सब करेंगे। मोदी जी की सरकार बनी, 17 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और जो भी अवरोध थे वह दूर हुए। उच्चतम न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में निर्णय किया और आज भव्य मंदिर बन रहा। तो आरोप तो किसी भी प्रकार का कोई लगा सकता है, लेकिन लगातार आंदोलन हम सारे लोगों ने किया, पूज्य संतों के पीछे हम सारे लोग खड़े थे, पूरा समाज खड़ा था, आज तो पूरा देश खड़ा है अपने भगवान राम के जो अपने इष्ट देव हैं उनके भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के, और प्राण प्रतिष्ठा का क्षण क्षण वह इंतजार कर रहा है। उसके बाद जैसे भी प्राण प्रतिष्ठा होगी पूरा देश यहाँ आने के लिए आतुर। आंदोलन का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि इतना संघर्षमय आंदोलन रहा और उसके बाद ये दिन भी देखने को मिलेगा जब भव्य तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाएगा और एक दिव्य मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हो जाएगा? हम सब छोटे कार्यकर्ता थे, आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन यह भरोसा था कि संघर्ष हम लोगों को अच्छे काम के लिए करना है और कभी ना कभी इसका प्रतिफल मिलेगा। समाज एकजुट हुआ और उसने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनाई और 17 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, जिसके कारण आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। जो कांग्रेस आपके लिए कह रही है, सबसे पहला आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया और वो आरोप ये लगाया गया कि आप आधे अधूरे मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए वो न्योते को स्वीकार नहीं कर सकते, ससम्मान उस न्योते को ठुकरा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस को कोई ना कोई बहाना चाहिए बोलने के लिए, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं।
जो पहला बहाना कांग्रेस ने इस निमंत्रण पत्र को ठुकराने के लिए बनाया है वो बहाना है शंकराचार्य, कि शंकराचार्य नहीं आ पा रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि आधा अधूरा निर्माण है, राजनीति बीजेपी राम मंदिर के बीच में लेकर आ रही है, इसीलिए हम राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम। देखिए उनको डर लग रहा, जिस वोट की बदौलत और इस देश के बहुसंख्यक समाज को बांट करके वह सत्ता प्राप्त करते थे उस वोट की उनको चिंता है, उससे डर रहे हैं, इसलिए शंकराचार्य का बहाना ले रहे हैं और चीजों का बहाना ले रहे हैं। लेकिन डर दूसरी है, वो धोखा देने का काम समाज कर रहे हैं, समाज जान रहा है इस बात को। अब अखिलेश यादव जो यूपी से ही आते हैं उन्हें भी राम की याद आ रही है और वो भी कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूं, जब तक इन्विटेशन नहीं मिला था, अब निमंत्रण मिला, निमंत्रण पर कंफ्यूज हुए, अब कह रहे हैं कि साथ सम्मान ये निमंत्रण मुझे मिला, धन्यवाद, लेकिन मैं 22 को नहीं उसके बाद अपने परिवार के साथ जरूर जाऊंगा पूजा अर्चना करने के लिए। ठीक है, आना चाहिए उनको, भगवान राम की शरण में जो आएगा उसी का कल्याण होगा। नहीं, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि आपने उम्र भर राम पर राजनीति की है और जब राम मंदिर बन रहा है तो आप उसे 24 में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है, कुछ न कुछ इन सारे विपक्ष के लोगों को बोलने के लिए चाहिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, क्या इसमें वाकई में क्रेडिट लेने की राजनीति चल रही है? फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो ऐसा क्यों कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस कार्यक्रम को हाईजैक कर रही है, यह आरोप विपक्ष का है। विपक्ष के लोगों से हमारा एक सवाल है, पूरे दुनिया में बहुसंख्यक समाज जिस देश में है उस देश में उसी की तो संस्कृति चलती है, और राम अगर इस देश की संस्कृति के प्रतीक हैं और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, उसके निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघर्ष किया, तो आज अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? इनको पीड़ा नहीं होना चाहिए, उनको तो आमंत्रित किया गया है, गाजे बाजे के साथ उनको भी आना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए कि आज तक जो हमसे गलती हुई है भविष्य में नहीं होगी। यही कांग्रेस तो थी जिसने राम सेतु के मुकदमे में जिसने हलफनामा दिया था कि ये जो है राम सेतु नाम कोई चीज नहीं, राम कोई चीज नहीं है, आज क्यों चिल्ला रहे हैं सारे लोग? इसलिए कि पूरा देश खड़ा हुआ है, इसलिए चिल्ला रहे हैं ना। नहीं, ये कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं, वो तो रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मकर संक्रांति का दिन चुना गया है कि आएंगे पूजा करेंगे, बताना सिर्फ इतना है कि हमें बीजेपी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है रामलला के प्रति अपनी आस्था, रामलला के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए। देखिए, ट्रस्ट ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझा, हिंदू समाज के सभी लोगों को, इस देश के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वह राजनीतिक दल के हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे फिल्म स्टार हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे पत्रकार हों, सभी प्रमुख लोगों को, चाहे धर्माचार हों, सबको उस दिन आमंत्रण दिया है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उसके नेता को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। अब वो पहले आते हैं, बाद में आते हैं, उस कार्यक्रम में आते हैं, नहीं आते, यह तो उनकी उनकी सोच है, उनको तय करना है। ट्रस्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया। नहीं, सवाल यह है कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर ही कांग्रेस अपनी राम भक्ति दिखा सकती है? कांग्रेस के नेता, खासकर यूपी कांग्रेस के नेता, जो पूरा डेलीगेशन लेकर कल ही अयोध्या आने वाले हैं दर्शन करने के लिए, क्या वो राम भक्ति की श्रेणी में नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या इस प्रकार कोई बात की? योगी आदित्यनाथ जी ने कोई बात की? तो जब हमारे नेता कोई इस प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं तो सवाल कहां से उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि आप कांग्रेस को कहते हैं कि वो राम विरोधी है, अब वो तो आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए। हम तो कभी नहीं कहते, राम विरोधी तब कहा जाता था कि जब उन्होंने हलफनामा दिया था राम सेतु को लेकर, राम को लेकर के, और मंदिर का निर्णय ना हो इसलिए दुनिया भर की जो बाधाएं उसको दूर करने का काम नहीं करते थे।
तो राम विरोधी नहीं कहा जाएगा, आंदोलन को दबाने का काम करते थे, इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने का काम करते थे, इस देश को जातियों में बांटने का काम करते थे, इसलिए हम उनको राम विरोधी कहते। राम हमारे जाति विरोधी नहीं थे, राम तो इस देश की संस्कृति है, राम इस देश के सबसे अंतिम व्यक्ति से लेकर के और सबको प्रभु श्री राम ने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से सबको मानव जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए अपने जीवन चरित्र से सबको संदेश देने का काम किया था, इसलिए राम आज पूजे जाते हैं, सबके मन में राम बसे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लल्लू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।